नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना से 7 की मौत, आज मिले 873 पॉजिटिव, सिर्फ रांची से ही 472। झारखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण से खलबली मच गई है। आज एक साथ 7 कोरोना संक्रमितों की मौत से शासन और प्रशासन समेत तमाम लोग सकते में आ गए। लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है। लगातार 3 दिनों तक 600 से अधिक नए कोरोना वायरस संक्रमित मिलने के बाद शनिवार को राज्य में 873 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 472 मामले सिर्फ रांची से ही। शनिवार को राज्य में 7 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई। आज जमशेदपुर में 101, दुमका में 23, धनबाद में 26, हजारीबाग में 32, गुमला में 20 और रामगढ़ में 20 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। बोकारो में 29, जामताड़ा में 21, पाकुड़ में 18 और पश्चिमी सिंहभूम में 16 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण से रांची में 3 और जमशेदपुर, बोकारो, चतरा तथा धनबाद में 1-1 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। झारखंड में फिर से एक बार लॉकडाउन के आसार। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पिछले साल तैयार फ्रेमवर्क को फिर से लागू करेगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल राज्य में कोरोना का संक्रमण जब रफ्तार में था तब उस समय इसे लागू किया गया था। बाद में संक्रमण कम हो जाने के बाद इस फ्रेमवर्क के तहत गठित टीमों ने काम करना बंद कर दिया था। राज्य में कोरोना का संक्रमण दोबारा बढ़ने के बाद स्वास्थ्य सचिव के सोन ने उसे फिर से लागू करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दे दिया है। झारखंड में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल, तैयारियों में जुटी है सरकार। झारखंड में पिछले कुछ माह से ऊपरी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के भय के कारण बच्चों की उपस्थिति काफी कम हो रही है। संक्रमण बढ़ने के कारण ऊपरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल फिर से बंद करने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में मास्क नहीं तो टिकट खरीदने के बाद भी नहीं कर पाएंगे यात्रा। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो, बाजार में आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। टिकट रहने पर भी मास्क नहीं पहनने वालों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस के मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को टिकट रखने के बावजूद शुक्रवार को वापस भेज दिया गया। हालांकि 80% यात्री मास्क पहने मिले। झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। लगातार 600 से अधिक केस मिलने लगे हैं। राजधानी रांची में सर्वाधिक केस मिलने से चिंता बढ़ गई है। सरकार हर स्थिति पर नजर भी रख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि जरूरत पड़ी तो बड़े कदम उठाए जाएंगे। इस समय कोरोना संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जा रहा है। 6 अप्रैल को सख्ती बढ़ाने पर निर्णय लेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक 6 अप्रैल को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के सचिव, स्वास्थ्य सचिव भी होंगे। बैठक के दौरान राज्य में कोरोना की हालात और अनलॉक के तहत दी गई छूट पर विमर्श होगा। आपको बता देना चाहता हूं कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं और साथ साथ 1000 लोगों की मौजूदगी में समारोह, बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परिवहन संबंधी विषयों पर विचार भी किया जाएगा। नितिन गडकरी ने झारखंड में 21 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम हेमंत सोरेन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में 3550 करोड़ रुपए की लागत के कुल 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के एवं अन्य स्थानीय सांसद और विधायक गणों के साथ आज राज्य में NH-21 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिला। इस दौरान मैंने नई परियोजना सड़कों के साथ पौधारोपण और एलिफेंट कॉरिडोर जैसे अन्य विषयों पर भी बात रखी। झारखंड में पहली से 8वीं क्लास तक के लगभग 27 लाख छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। अब राज्य के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को एडमिशन शुरू करने के निर्देश दे दिए।
उन्होंने कहा कि एडमिशन पूरे होने के बाद किताबें बांटने का भी काम किया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बच्चों के किताबें हर जिले के विभिन्न प्रखंडों तक किताबें पहुंचने लगी है और साथ ही 2020-21 के पहले 3 महीने के लिए स्कूलवार अनाजों का आवंटन भी विभाग की तरफ से कर दिया गया है। खबर है झारखंड के लातेहार से। महाराष्ट्र और यूपी से झारखंड के लातेहार पहुंचे 57 मजदूर जिला प्रशासन ने किया क्वारंटाइन। शुक्रवार को रांची प्रशासन की लापरवाही के कारण महाराष्ट्र और यूपी से 57 मजदूरों का दल बिना किसी जांच के राजधानी रांची होते हुए लातेहार पहुंच गया। महाराष्ट्र से राजधानी रांची आए मजदूरों को बिना किसी जांच के ही लातेहार रवाना कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही लातेहार प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया और मौके पर पहुंचकर सभी मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया। झारखंड के लोगों को बड़ी राहत मिली। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से रोड कनेक्टिविटी बढ़ी। झारखंड में नई सड़क परियोजना और प्रस्तावित सड़कों के माध्यम से ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कनेक्टिविटी पहले से बढ़ गई है। इससे स्थानीय उद्योगों के साथ साथ परिवहन के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को व्यापक पैमाने पर फायदा होगा। झारखंड में NHAI की देखरेख में बनाई गई 5 सड़क परियोजनाओं मोहलिया बड़हरागोड़ा से झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर, बहरी हजारीबाग खंड, कचहरी चौक से बिजूपड़ा खंड, बिजूपड़ा से कुडू खंड, पिस्का मोड़ से पलमा खंड के चौड़ीकरण कार्य की कुल लंबाई 217 किलोमीटर के एवं लागत 2744 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 52 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण तथा 754 करोड़ रुपए की अनुमति लागत के साथ 14 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। झारखंड में बेरोजगारों को 5000 प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया। शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया है। सरकार की इस योजना के तहत झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं है जुड़ा, उन्हें साल में एक बार 5000 रुपये श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन भत्ता का लाभ 2021-22 के दौरान दिया जाएगा। दूसरी ओर विधवा प्रत्याग दिव्यांग आदिम जनजाति को 50% अतिरिक्त यानी कि 7500 रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन भत्ता के लिए ये कागजात जरूरी है। अभ्यर्थियों का बैंक खाता होना जरूरी है। आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से निश्चित तौर पर लिंक होना चाहिए। आवेदक अपना मोबाइल नंबर तैयार रखें। आवेदन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। अभ्यर्थी के पास सरकारी संस्थान का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदकों को अपने स्थायी पता का प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। आवेदक झारखंड के स्थानीय निवासी होने पर ही बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे। यदि आप युवा हैं और अभी तक कोई रोजगार नहीं है आपके पास, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर रहे हों, उन्हें एफिडेविट के जरिए सही सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा करनी होगी। आवेदन में सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। आगे की जाँच पड़ताल में यदि आवेदकों की ओर से कोई गलत जानकारी देने का प्रमाण मिलता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा मजदूरों को अब मिलेगा 225 रुपये मजदूरी। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से मनरेगा श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी गई है। अब मनरेगा श्रमिक को प्रतिदिन 225 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने DC, DDC सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को बढ़ी दर पर भुगतान करने से संबंधित पत्र जारी किया है। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। झारखंड आंदोलनकारियों को मिले राजकीय स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा। झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक शनिवार को धोबा पंचायत के जमुआ गांव में प्रखंड अध्यक्ष शिवलाल मरांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि झारखंड आंदोलनकारियों की विशाल बैठक 10 अप्रैल को जमा प्रखंड के सिलदा शिव मंदिर के प्रांगण में होगी। इसमें आंदोलनकारी के कई बड़े नेता समेत जमा विधायक सीता सोरेन भी शामिल होंगी। मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तत्वा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को अविलंब राजकीय स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ जाँच अधिनियम 1952 की बाध्यता को जल्द से जल्द खत्म की जाए।
खबर है झारखंड के रांची से। रांची में बन रहा है बटरफ्लाई पार्क, यहां देखने को मिलेगी 30 प्रकार की तितलियां। इस वर्ष 2021 के अंत तक रांची वासी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में रंग बिरंगी तितलियां का दीदार कर सकेंगे। उद्यान प्रबंधक मछली घर के पास 2 करोड़ की लागत से बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कर रहा है। इस पार्क में झारखंड में पाई जाने वाली तितलियों को रखा जाएगा। पार्क में पहले चरण का काम खत्म हो गया है। इसके तहत पाथवे, घेराबंदी व बागवानी के साथ बटरफ्लाई होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट लगाए गए हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में रविवार को मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि आज सबसे ज्यादा गर्मी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में पड़ने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। इसके बाद 7 अप्रैल से मौसम में फिर से परिवर्तन होगा। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली ठंडी नम हवाओं के कारण राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर का 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन ने दिया जीत का मंत्र, झामुमो ने किया गहन मंथन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शनिवार को केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति व पार्टी के विधायक दल की बैठक में मधुपुर उपचुनाव पर विचार विमर्श की गई। इस बैठक में मधुपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सभी सहयोगी दलों व समान विचारधारा वाले दलों से समन्वय स्थापित करने पर बात बनी है। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति व मधुपुर उपचुनाव एवं सांगठनिक विषयों पर चर्चा के साथ पार्टी की रणनीति बनाई गई और पार्टी के पदाधिकारियों एवं विधायकों को मधुपुर उपचुनाव की विभिन्न जिम्मेदारी दी गई। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह के न्यूज सुनना चाहते हो। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।